हेलो दोस्तों, आज के हम बात करने वाले हैं वीवो वाई 56 डिवाइस के अंदर आप फ्री फोन स्टाइल डाउनलोड एंड अप्लाई कैसे करेंगे। दोस्तों आप अपने फोन में फ्री फोन स्टाइल डाउनलोड एंड अप्लाई कैसे करेंगे। दोस्तों जैसे होता है कि आपके फोन में फॉन्ट एक ही चलता है, आप अपने फोन में एक ही फॉन्ट यूज कर रहे हैं और वहां पर चाहते हैं अपने सेटिंग को कि हम वहां का जो फॉन्ट है उसको चेंज कर पाए, लेकिन आप कहीं से भी फॉन्ट डाउनलोड करते हैं तो आपको परचेस करना पड़ जाता है। लेकिन हम आपको अपने सेटिंग से बताएंगे आप वहां से फ्री फॉन्ट स्टाइल डाउनलोड एंड अप्लाई कर पाएंगे। जो फॉन्ट होता है वो सेटिंग का स्टाइल उससे चेंज हो जाता है, कुछ अलग स्टाइल में आपका जो सेटिंग है वो हो जाएगा और उसको आप यूज करेंगे तो आपको काफी अच्छा भी लगेगा। तो चलिए अपने सेटिंग में जाते हैं, वहां से आपको बताते हैं किस तरह से आपको अपने फोन में फ्री फॉन्ट स्टाइल डाउनलोड एंड अप्लाई करना है। दोस्तों आप देख लीजिए हमारा डिवाइस से यहाँ पे शो हो रहा है, अपने डिवाइस से हम आपको बताएंगे आप अपने फोन में फ्री फॉन्ट स्टाइल डाउनलोड एंड अप्लाई कैसे करेंगे। दोस्तों हम अपने सेटिंग को यहाँ पे ओपन करते हैं तो आप देख लीजिए हमारा सेटिंग है यहाँ पे ओपन हो जाता है और आप देख रहे हैं जो हमारा सेटिंग का फॉन्ट है बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई अलग स्टाइल्स में नहीं है, पूरा बिल्कुल सिंपल स्टाइल में है। हम इसको कुछ अलग स्टाइल में यहाँ पे यूज करके आपको दिखाएंगे। तो आप देख रहे हैं जो हमारा सेटिंग है यहाँ पे है बिल्कुल सिंपल स्टाइल में है। तो चलिए हम उस फॉन्ट को डाउनलोड करते हैं जो हमारे सेटिंग का स्टाइल चेंज करेगा। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा नीचे आते हैं और यहाँ आपको मिलता है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का ऑप्शन, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। ये वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे सेटिंग आ जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा नीचे आना है। क्या ऐसा चाहिए? यहाँ नहीं होगा, पाजी आएगा देगा। दोस्तों आप देख रहे हो हमारा डिवाइस यहाँ पे शो हो रहा है, अपने डिवाइस से हम आपको बताएं कि आप अपने फोन में फ्री फॉन्ट स्टाइल डाउनलोड एंड अप्लाई कैसे करेंगे। दोस्तों फॉन्ट से आप अपने सेटिंग का जो स्टाइल है उसको कैसे चेंज करेंगे ये सब चीज हम यहाँ पे आपको बताएंगे। चलिए अपने सेटिंग को ओपन करते हैं। तो आप देख रहे जो हमारा सेटिंग है यहाँ पे ओपन हो जाता है और सेटिंग में आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, नीचे आना है, नीचे आपको मिलता है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का ऑप्शन, आपको उस पर क्लिक करना है। दोस्तों जो हमारा सेटिंग का आप स्टाइल देख रहे हैं बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो सेटिंग का स्टाइल है बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे आप कुछ अलग स्टाइल्स के फॉन्ट को यूज कर पाएंगे। तो चलिए अपने हम यहाँ पे सेटिंग पे ओपन करते हैं। आप देख रहे हैं डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का ऑप्शन है, तो हम इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं और जस्ट यहाँ पे क्लिक करते हैं आप देख रहे हैं कुछ सेटिंग आ जाते हैं। थोड़ा सा नीचे आना है, नीचे आपको मिलता है फॉन्ट स्टाइल का ऑप्शन, आप देख रहे हैं ऑप्शन है फॉन्ट स्टाइल का, तो आपको उस पर क्लिक करना है। ये ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख रहे जो भी फॉन्ट आपके फोन में होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं अब हमारे फोन में अभी डिफॉल्ट फॉन्ट है और यहाँ पे आप देख रहे हैं डिफॉल्ट फॉन्ट यहाँ पे यूज हो रहा है और जो हम फॉन्ट डाउनलोड करेंगे वो नीचे ऐड हो जाएगा। आप देख रहे हैं डाउनलोडेड फॉन्ट आ रहा है और यहाँ पे हमारा जो फॉन्ट है यहाँ पे ऐड है, जिसको हम डाउनलोड करें हैं वो नीचे यहाँ पे ऐड है। नीचे आपको मिल जाता है डाउनलोड मोर का ऑप्शन, तो आपको उस पर क्लिक करना है। ये वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके फोन में थेम्स का एप्लीकेशन होता है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आप देख रहे हैं हमारे फोन में जो थेम्स का एप्लीकेशन है यहाँ पे ओपन हो चुका है और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हमारे थेम्स होते हैं जो हमारे फॉन्ट है यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जितने भी फॉन्ट आ रहे हैं इनका आपको परचेस करना होगा, इसके बाद ही आप अपने फोन में इसको यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों जो फ्री फॉन्ट है उसको डाउनलोड करने के लिए ऊपर में आपको सर्च का ऑप्शन मिलता है, आपको उस पर क्लिक करना है और जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे सर्च करना है आपको IEKIE, आपको पे सर्च करना है। यहाँ पे आपको IEKIE आपको पे सर्च करना है और इसके बाद आपके फोन में बहुत सारे फॉन्ट यहाँ पे आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे सर्च कर लिए हैं, आप देख रहे हैं हमारे फोन में बहुत सारे फॉन्ट यहाँ पे आ रहे हैं। आप देख रहे हैं काफी अच्छे अच्छे फॉन्ट है यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे फोन में और इसको आपको अपने फोन में डाउनलोड करना है, इसके बाद आपको अप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे फोन में कुछ फॉन्ट यहाँ पे डाउनलोड है, तो यहाँ पे हर ट्रिक आ रहा है और यहाँ पे आपको कोई भी फॉन्ट डाउनलोड करना है तो उसको आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आप देख रहे हैं ये फॉन्ट अच्छा है तो हम इसको एक को क्लिक करके यहाँ पे डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पे जैसे इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं जो फॉन्ट है यहाँ पे डाउनलोड करने को आ जाता है और हम इसको अपने फोन में डाउनलोड करेंगे। आप देख रहे हैं फ्री का ऑप्शन भी आ रहा है और यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों आपको नीचे डाउनलोड का ऑप्शन है, आपको उस पर क्लिक करना है। ये वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ये आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा, तुरंत आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा। बहुत कम एमबी का होता है ये तुरंत डाउनलोड हो जाता है। हमारे फोन में डाउनलोड हो चुका है और हम इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो आप देख रहे हैं जैसे को अप्लाई पे क्लिक करते हैं हमारे फोन में अप्लाई सक्सेसफुली हो जाता है। तो हम इसको यहाँ से कट करते हैं, अपने स्क्रीन पे आते हैं
और वहां पे आपको दिखाते हैं जो हमारा सेटिंग है चेंज होता है, जो सेटिंग का स्टाइल है वो चेंज है या नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो एप्लीकेशन के नेम है इनका जो स्टाइल है बिल्कुल चेंज हो चुका है। और हम अपने सेटिंग को यहाँ पे ओपन करते हैं, आप देख रहे हैं जो हमारा सेटिंग का स्टाइल है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, काफी अच्छे स्टाइल्स पे आ चुका है। इस तरह से आप अपने फोन में अपने जो सेटिंग का स्टाइल है उसको चेंज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो सेटिंग का फॉन्ट है ये चेंज हो चुका और जो हमारा सेटिंग है काफी अच्छे स्टाइल में आ चुका है। दोस्तों इस तरह से आप अपने फोन में फ्री फॉन्ट स्टाइल को डाउनलोड एंड अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका किस तरह से आपको अपने फोन में फ्री फॉन्ट स्टाइल डाउनलोड एंड अप्लाई करना। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।